कांगड़ा रैली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में लगी है मुख्यमंत्री बनने की रेस, प्रेम कुमार धूमल को पीछे छोड़ना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। वीरभद्र बोले, धूमल से मुकाबला करने के लिए ही नड्डा दे रहे हैं मेरे खिलाफ बयानबाजी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर भी साधा निशाना, कहा हिमाचल का प्रभारी रहते हुए हुई थी बीजेपी की हार, उसी हार का बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ कर रहे हैं ईडी का गलत इस्तेमाल। ठियोघाट कोटी खड़ापत्थर रोड के खस्ता हालात पर राजनीति शुरू, बीजेपी नेता नरेंद्र ब्राक्टा ने किया 2 दिसंबर को खड़ापत्थर इलाके में सत्याग्रह का ऐलान। शिमला के सेब उत्पादक क्षेत्र से गुजरता है ये रोड, एक साल से है खस्ता हाल। नरेंद्र ब्राक्टा का आरोप, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कछुआ चाल से हो रहा है ठियोघाट कोटी खड़ा पत्थर रोड को पक्का करने का काम। ब्राक्टा बोले, लेट लतीफी के खिलाफ जुब्बल कोट खाई और रोहू समेत 10 अलग अलग जगहों से बड़ी तादाद में यात्रा निकालते हुए सत्याग्रह में शामिल होंगे लोग। रोहड़ू डिपो के चालक के साथ मारपीट का मामला आया सामने, एक युवक पर लगा चालक को पीटने का आरोप। विरोध में चालकों ने 2 दिन से बंद कर रखा है डिपो। मारपीट के विरोध में रोहड़ू डिपो चालक यूनियन के 50 चालकों ने बस स्टैंड में किया धरना प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला किया दर्ज, जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। ऊना बस स्टैंड पर उद्घाटन के 2 दिन बाद ही ट्रैफिक लाइट्स की बत्ती गुल, नगर निगम ने टेक्निकल फॉल्ट बताकर झाड़ा पल्ला। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक लाइट की समस्या को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। हिमाचल में मौसम फिर ले सकता है करवट, मौसम विभाग का अनुमान 26 तारीख तक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के आसार, निचले इलाकों में भी गिरेगा पारा। गिरते पारे ने बढ़ाए स्थानीय लोगों की मुश्किलें, छुड़ाई कपकपी, लेकिन सैलानियों को है बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार। किन्नौर में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के साथ साथ सतलुज नदी को भी कर रहा है प्रभावित। एनवायरमेंट ट्रस्ट के सर्वे में हुआ खुलासा, रिपोर्ट के मुताबिक अगर किन्नौर में भूकंप का एक बड़ा झटका आता है तो यहां एक बड़ी तबाही हो सकती है।